गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 5.5 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। तो हमने इससे पहले देखा 3.3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। तो उसमें क्या होता था, 1-1 के बीच का बाउंड ब्रेक होता था, 3.3 पे बाउंड बनता था, तो वो हमारी होती थी 3.3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पर क्या होगा, 1-1 के बीच का बाउंड तो ब्रेक होगा, लेकिन अब वो बनेगा 5.5 पर, तो वो होगा 5.5 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। तो उसको हम देखते हैं एक एग्जांपल से। तो एग्जांपल ये रहा, ये हमारी एक बेंजीन रिंग, इससे लगा हुआ ओ और इधर लगा हुआ ये अल्किल, इधर लगा हुआ ये ग्रुप। तो यहाँ है हमारा अनसैचुरेटेड कार्बन, अनसैचुरेटेड बॉन्ड, यह है अनसैचुरेटेड और यह है वाला सैचुरेटेड। तो इसको नंबरिंग करेंगे हम यहाँ से, ये सैचुरेटेड है, इसको 1, 2, 3, 4, 5। तो हमेशा वन वन, यहाँ पर वन नंबरिंग है, तो इसके बगल वाले को नंबरिंग 1 देंगे, फिर इसके बाद ये 1, फिर ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो ये होगा हमारा 5। तब 1-1 के बीच का बाउंड ब्रेक होगा, तो इसको हम ब्रेक कर दें इस साइड, ये बाउंड इस साइड मूव हो जाए और ये वाला बाउंड इस साइड मूव हो जाएगा और ये वाला बाउंड इससे आकर जुड़ेगा, ये वाला जो है, ये वाला कोना ये इससे जुड़ेगा और ये वाला यहीं पर रहेगा, ये वाला इससे जुड़ेगा और ये वाला बाउंड इधर मूव होगा, फिर ये वाला बाउंड इधर मूव हो जाएगा, फिर इसके बाद आगे क्या होगा, यहाँ पर एक डबल बाउंड पहले से इसको बना दें और एक डबल बाउंड, देखिए ये वाला घूमकर यहाँ पर एक डबल बाउंड यहाँ पर आ रहा है, इसको भी हम यहाँ पर बना दें। अब देखिए ये ऑक्सीजन लगा हुआ एक बाउंड था और ये वाला बाउंड ब्रेक होकर यहाँ पर ये हो गया ऑक्सीजन डबल बाउंड और ये 1-1 के बीच का बाउंड ब्रेक हो गया। अब देखिए ये बाउंड इससे बनेगा, तो ये बाउंड इससे ये रहा, इससे ये बाउंड एक बना और इससे रहा 1, 2, 3, 4। अब इसके पास 4 बाउंड और है, देखिए अब ये वाला बाउंड जब इससे बन जाएगा यहाँ तक, ये वाला मान लीजिए अभी बन रहा है, तो अब इसके पास और कितना बाउंड है, एक दो तीन चार, 4 बाउंड हमें और बनाने हैं। तो ये हो जाएगा 1, 1, 2, 3, 4 बाउंड। ये वाला बाउंड 5-5 से जुड़ रहा है, तो ये हो जाएगी हमारी 5.5 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। अब डबल बाउंड कहाँ कहाँ पर आएगा, ये बाउंड इससे जुड़ा, अब इससे लगा जो बाउंड है वो सिंगल रहेगा, फिर उसके बगल वाला ये बाउंड इससे जुड़ा, ये वाला सिंगल रहेगा, इससे लगा वाला ये वाला डबल, फिर इसको वाला सिंगल, फिर ये लास्ट वाला डबल, ये वाला सिंगल, फिर इसके बगल वाला डबल हो जाएगा। ये हो जाएगी हमारी 5.5 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। अब यहाँ पर लगा हुआ एक एच भी है, अब ये रहा एच, अब इस एच को हम इस साइड मूव कर दें और इस बाउंड को हम इस साइड और इस बाउंड को हम इस साइड, तो ऑक्सीजन पर आएगा माइनस, ये निकलेगा यहाँ से प्लस में, ये जाकर उससे जुड़ जाएगा, ये हमारा कीटो में है, तो इसके बाद इधर बनेगा हमारा इनॉल। ये OH हो गया और ये हो गया, ये हो गया हमारा 5.5 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। हाँ, तो अब इसमें कुछ और पॉसिबिलिटी है, जैसे कि ये 1, 2, 3 है, यहाँ पर भी 1, 2, 3 है, तो यहीं तक इसके बीच में 3.3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हो जाए, फिर हम उसको भी यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ तक हो गया, नंबरिंग तो वैसी होगी 1, 2, 3, 4, ये 5। चलो हमें 3.3 करानी, तो हम 3 तक ही रखते हैं, ये 1, ये 2, ये 3। तो अब ये, अब 3-3 के बीच में अगर हम इसके सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंज, 3.3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट कराएं, तो 1-1 के बीच का बाउंड हम इधर ब्रेक करेंगे और इसको हम इससे बना देंगे, ये वाला बाउंड ये वाला इससे जुड़ जाएगा, फिर ये वाला इधर, तो क्या बनेगा हमारा, यहाँ होगी हमारी 3.3
सिग्माट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। ये वाला बांड इधर घूमेगा तो ऑक्सीजन डबल बांड हो जाएगा, और ये वाला बांड इधर आएगा, ये वाला बांड इससे जुड़ रहा है तो इधर लगा हुआ ये तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, इसके नीचे वाला ये, फिर इसके ऊपर क्या है वन और ये टू, दो बांड ऊपर, एक ये और एक ये, और ये वाला बांड घूमकर इधर वन टू पोजिशन पर ये डबल बांड आ रहा है, तो यहाँ पर ये डबल बांड यहाँ पर हो जाएगा। तो अब ये यहाँ पर जुड़ रहा है, तो अब इसके पास यहाँ पर एक एच है, तो ये है हमारा कीटो। अभी हमारा एनॉल में बनेगा, ये वाला बांड इधर घूमेगा और ये वाला इधर, इस पर आएगा माइनस, हाइड्रोजन जाकर उसे लग जाएगा। यह हो जाएगा हमारा एनॉल, ये हो गई हमारी 3.3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, ये 5.5 वाले के अंदर। अब इसमें एक और पॉसिबिलिटीज़ है कि ये हम इसको नंबरिंग 3 तक ही करें और इसको 4-5 तक ले जाएं, इसमें 3.5 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट कराएं, तो उसमें क्या होगा उसको भी हम देख लेते हैं। नंबरिंग तो वैसे होगी 1, 2, 3, ये 4, ये 5 तक चला जाएगा, इसको हम 1, 2, 3 तक ही रखें क्योंकि इसमें करानी है 3-5 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, 3-5 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। तो अब ये वाला बांड मूव होकर यहाँ पर आए, ये वाला बांड इधर, ये वाला बांड इधर, ये और ये 1-1 के बीच का बांड ब्रेक हो जाए, तब क्या होगा हमारा यहाँ पर। ये डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा और जो जुड़ेगा इससे जुड़ेगा, तो ये वाला बांड इधर घुमा, ये हो गया। फिर इसके बाद कितना बांड और है, ये रहा 1, 2, 3, 4, इससे 4 बांड और बनेंगे, 1, 2, 3, 4 बांड इससे बनेंगे, नहीं इसके पास है ये, जब इससे जुड़ रहा है इसके पास ये, और 4 बांड यहाँ पर होगा। और डबल बांड कहाँ पर होगा, एक देखो यहाँ पर लास्ट वाले में होगा। अब ये जुड़ रहा है इससे, ये जुड़ा यहाँ पर, तो अब ये वाला एकदम लास्ट में चला जाएगा। अब ये वाला यहाँ पर डबल बांड आएगा, फिर सिंगल, फिर उसके बाद फिर डबल, ये वाला डबल हो जाएगा, फिर ये सिंगल, फिर ये फिर डबल हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा हमारा कीटो। तो यहाँ पर भी एक एच है, इस एच को हम निकालें इस तरह से, और ये जाए यहाँ पर कुछ इस तरह से, इसके बाद हमारा क्या होगा, यहाँ पर डबल बांड यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर आ जाएगा वो एच, फिर इसके बाद लगा हुआ ये 1, 2, 3, 4, 5, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा एनॉल, ऐसा बनना चाहिए। तो इससे हमारा ये बनना चाहिए, यहाँ पर ये 5-5 सिग्माट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, यहाँ पर 3-3 और यहाँ पर 3-5। तो इसमें अब क्या होता है, अब देखिए ये वाली सिग्माट्रॉपिक रिएक्शन तो हो जाती है, ये वाली भी हो जाती है, लेकिन ये वाली नहीं होती है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न मैं बता दूं, ये 3-5 जो सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट है, इसके लिए आपको, आपने मेरी पहली वीडियो वो देखी होनी चाहिए कि जब मैंने हाइड्रोजन के शिफ्ट कराया था तो उसमें मैंने सिलेक्शन रोल बताया था फोरेन सिस्टम, जब उसमें फोरेन सिस्टम होता है इसका आपका सिलेक्शन रोल पता होना चाहिए। यह है 3-5 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन, 3-5 मतलब 3.5 यानी टोटल 8 किस कैटेगरी में आएगा, किस में जाएगा, ये जाएगा 4N में, 4×2 करोगे N की जगह 2 तो ये हो जाएगा 8, तो 4N वाला जो है हमारा, 4N वाला जो है वो थर्मल कंडीशन में सुपरफेशियली फॉरबिडन होता है, ये सिलेक्शन रूल में बताया हूँ मैं, तो इसीलिए ये 2-3 वाली जो रिएक्शन है हमारी, ये 3-5 वाली ये रिएक्शन प्रोसीड इस तरह से नहीं होती है, ये दोनों रिएक्शन हो जाती है, ये 4N सिस्टम में थर्मल कंडीशन में सुपरफिशियली फॉरबिडन होती है, इसलिए रिएक्शन नहीं होती है। अब एक आधा और एग्जांपल देख लेते हैं हम 5.5 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट का, हो जाएगा ये हमारा 5.5 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट।
ख़त्म। तो ये है एग्जांपल हमारा, ये NH2 प्लस, ये NH2 प्लस, इसके नीचे ये बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग। तो सबसे पहले हमें ये अनसैचुरेटेड है और ये सैचुरेटेड बॉन्ड, तो इसको हम नंबर ही करेंगे, ये 1, ये 2, 3, ये 4, 5। वैसे इधर भी हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। तो अब 5, 5 के बीच में यहाँ पर बॉन्ड बनेगा और 1, 1 के बीच का ब्रेक होगा। 5, 5 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, ये है 1, ये है 1, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। चलिए इस बॉन्ड को मैं इस साइड मूव करूँ और ये वाला बॉन्ड इस साइड मूव हो जाएगा, फिर ये वाला बॉन्ड इससे मूव होगा, फिर ये वाला बॉन्ड इससे लगेगा, फिर ये वाला बॉन्ड इस साइड मूव होगा, फिर और ये वाला बॉन्ड जो है वो इस साइड मूव हो जाएगा। चलो बनाते हैं, क्या बना हमारा, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड हो रही है, इसके पास प्लस रहेगा। अब ये इससे जुड़ा हुआ है, दूसरा वाला ग्रुप हमारा ये रहा, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड पहले से, और ये डबल बॉन्ड इधर घूमकर ये आएगा, और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा ये NH2 और ये हो जाएगा प्लस। अब इसके पास यहाँ पर पहले से एक H है, और इसके पास भी पहले से यहाँ पर एक H है। अब क्या होगा, ये H इधर जाए, ये बॉन्ड इधर, और ये प्लस है, और ये वाला बॉन्ड ये ले लेकर ये माइनस होकर ये माइनस प्लस ये बैलेंस हो जाएगा। और इसी तरह से ये वाला H ये इधर से जाए, ये इधर बॉन्ड, और ये वाला बॉन्ड ये नाइट्रोजन ले ले, इधर भी वो बैलेंस हो जाएगा। तो फिर हमारे पास क्या बनेगा, NH2। अब मैं इसको इस तरह से दिखाऊंगा, ये हमारा NH2, इससे लगा हुआ ये सिंगल बॉन्ड ये, फिर अब ये NH2 प्लस नहीं, अब ये प्लस माइनस ये बैलेंस हो गया, ये NH2 इससे लगा हुआ सिंगल बॉन्ड, फिर इससे लगी हुई एक बेंजीन रिंग, ये हो गया। अब फिर ये एक बॉन्ड के थ्रू दूसरी बेंजीन रिंग से जुड़ा है, फिर ये एक बॉन्ड के थ्रू दूसरी बेंजीन रिंग से हम इसे जोड़ दें, ये हो गया। फिर इससे लगा हुआ दूसरी बेंजीन रिंग ये नीचे जुड़ा, फिर ऊपर लगा हुआ ये NH2, ये हो जाएगा हमारा इधर NH2, ये हो जाएगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। ये हो गया हमारा 5, 5 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। अब देख लेते हैं 2, 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। तो इसके लिए पहले हम लिखेंगे जनरल मैकेनिज्म। सबसे पहले यहाँ पर होगा ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर x, और यहाँ पर ये y, और इसके पास एक -4। तो 3, 3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन में आपने देखा था, तो उसमें जो भी हमारा ट्रांजिशन स्टेट बनती थी वो 6 मेंबर बनती थी, और क्योंकि वहाँ पर होता था 3, 3 यानी 3, 3 3, 3, 6। अब यहाँ पर है 2, 3, 2, 3, 5। अब बनेगी यहाँ पर 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। तो ये है हमारी मैकेनिज्म रिएक्शन। ये हमारा x है, ये हमारा y। तो x हमारा कोई भी एटम हो सकता है, x जो है हमारा कार्बन हो सकता है, या फिर कोई हेट्रो एटम जैसे कि ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, कोई भी हेट्रो एटम कार्बन या फिर कोई हेट्रो एटम। और y जो हमारा वो भी कार्बन या फिर कोई हेट्रो एटम जैसे कि ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, प्लस इस y के पास एक लोन पेयर होना चाहिए, तब ये हमारे 2, 3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन होगी। अब हम इसको नंबरिंग कर लें, ये हमारा अनसैचुरेटेड, ये सैचुरेटेड, ये 1, 2, 3, फिर ये वन हम नंबरिंग देंगे, फिर इसे नंबरिंग जो देंगे उसको भी पहले 1, फिर ये हो जाएगा हमारा 2। तो अब ये अपने माइनस से इधर बाउंड बनाएगा इस 3 से, और ये वाला बाउंड इधर मूव होगा, और ये 1, 1 के बीच का बाउंड ब्रेक होकर ये एक्स वाला ले लेगा। तो यहाँ पर अब इसका ट्रांजिशन स्टेट क्या बनेगा वो देखिए,
ये इसके बीच का बॉन्ड टूट रहा है और ये इधर बन रहा है और इधर भी ये टूट रहा है और ये अपने माइनस से इधर बॉन्ड बना रहा है। ये हो गई इसकी ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर बनी है फाइव मेंबर रिंग में। तो अब इसको प्रोडक्ट की ओर चले हम। ये इधर पूरा बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड इधर मूव हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया इस साइड वाला, तो इस पर आएगा एक माइनस चार्ज। ये हो गई हमारी रिएक्शन 2.3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, 2.3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। तो अब हम देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं कुछ, ये रहा ये उधर रहा, दो पांच एग्जांपल है यहाँ पर। तो अब हैं, अब हम इसे देखते हैं। सबसे पहले पहला करते हैं, तो इसमें एक्स की जगह पर इस बार कार्बन है और वाई की जगह पर कार्बन है और उसके पास लोन पेयर भी है। तो इसमें क्या होगा, ये अपने लोन माइनस है, माइनस मतलब दो इलेक्ट्रॉन और तभी माइनस चार्ज आता है। तो ये अपने माइनस इधर बॉन्ड बनाएगा और ये बॉन्ड इधर मूव करेगा और ये वाला बॉन्ड ये वाला कार्बन ले लेगा। इसकी नंबरिंग 1, 2, 3, ये 1, ये 2, ये 1, 1 के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। तो इधर हमारा बन जाएगा ये और इधर ये बॉन्ड बन गया। इधर हमारा सी एस जो है वो अब सी के पास माइनस है, ये अपना बॉन्ड उधर दे देगा तो ये सी अब न्यूट्रल हो जाएगा। अब इधर वाला कार्बन जो है, ये वाला कार्बन अब इसके पास आ जाएगा, एक सी एच जो है, सो जो भी इधर ग्रुप है वो आ जाएगा। अब ये वाला माइनस और इधर वाला बॉन्ड ये ब्रेक हो गया और डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड इधर मूव किया था तो इधर एक आया यहाँ पर डबल बॉन्ड। अब देखते हैं दूसरा हमारा क्या है। दूसरा हमारा जो हमारा एक्स था उसकी जगह ऑक्सीजन है हेटरोएटम और जो हमारा वाई था वहाँ पर सल्फर है और उसके पास एक लोन पेयर है अपना खुद का। इसके पास जैसे कि माइनस था, ये किसी से लिया हुआ था और ये सल्फर के पास लोन पेयर होता है तो ये अपने लोन पेयर से देकर इधर बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड इधर मूव करेगा। यहाँ पर भी 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, यहाँ पर भी 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। तो अब ये 1-1 के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, ये दो बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसका जो है ऑक्सीजन ले लेगा दोनों इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन पर आएगा माइनस, ये अपना इलेक्ट्रॉन देकर उधर बॉन्ड बना रहा है तो सल्फर पर आएगा प्लस, सल्फर प्लस, इधर ये पीएच लगा है और इधर ये बॉन्ड बना, ये बॉन्ड इधर मूव किया तो ये हो गया डबल बॉन्ड। अब ये बॉन्ड सल्फर से लगा हुआ, इधर ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन पर ये माइनस, यहाँ पर प्लस, ये माइनस किसी के कहीं कहीं पर ये डबल बॉन्ड भी दिखाया गया है तो यहाँ पर ऐसा भी हो जाएगा। अब हम देखते हैं तीसरा, इसकी नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, ये हो जाएगा 1, 2। तो अब इसमें क्या है, यहाँ पर एक्स की जगह ऑक्सीजन या फिर कार्बन या कोई हेटरोएटम तो है और का इस वाई की जगह पर कार्बन है, लेकिन यहाँ पर इस वाली पोजीशन पर हमारे पास एक लोन पेयर या फिर माइनस चार्ज होना चाहिए तो इसके पास नहीं है। तो इसके साथ दिया गया है BuLi यानी कि ब्यूटिल लिथियम, ये एक बेस है। अब यहाँ से ये एस प्लस को निकालेगा और यहाँ पर इस कार्बन पर आएगा माइनस। तो अगर इस पर यहाँ पर माइनस नहीं है तो यहाँ पर अगर कुछ इस कंडीशन दी हो तो यहाँ पर ये माइनस आएगा, एस प्लस निकालेगा यहाँ से, तो यहाँ पर बनेगा ये ऑक्सीजन और इधर पीएच और इधर आ गया माइनस चार्ज और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड। अब इसकी नंबरिंग करिए आप 1, 2, 3, इधर 1, 2, अब यहाँ से हो जाएगी 2.3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। अब ये माइनस इधर बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड इधर मूव करेगा और ये बॉन्ड ऑक्सीजन ले लेगा। तो इधर ये बॉन्ड बना, इधर कार्बन है, ठीक। और एक बॉन्ड इधर है और एक बॉन्ड इधर, ये हो गया डबल बॉन्ड और ये ऑक्सीजन लगा हुआ यहाँ पर है और इसके पास आ जाएगा माइनस चार्ज और इससे लगा हुआ ये पीएच। अब यहाँ से जो एच निकला था, अब वो एच आकर यहाँ पर ये माइनस से लग जाएगा और ये OH हो जाएगा, ये माइनस बैलेंस हो जाएगा। जो एच प्लस निकला था अब वो एच प्लस से रिएक्ट करके ये कुछ इस तरह का बन जाएगा, ये ओ और ये रहा ये एच, ये रहा डबल बॉन्ड, ये रहा पीएच। ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन।
और हम देखते हैं चौथा, चौथे में क्या है। तो अब तक हमें इस तरह से सीधा सीधा दिया रहता था तो हम कर लेते थे, लेकिन अगर कहीं पर ऐसा दिया है तो फिर ये कौन सी रीअरेंजमेंट होगी, यहाँ पर कैसे ये देखना है। तो सबसे पहले इसको सेट करना पड़ेगा, इस ऑक्सीजन को पहले हम लिखें, यहाँ पर फिर इसे एक बांड, फिर ये दूसरा बांड पीएच, पहले एक बांड ये, दूसरा बांड ये रहा पीएच। अब इससे लगा हुआ ये इधर का काम हो गया, हमारा ये इधर का काम हो गया। अब इधर देखिए इस ऑक्सीजन से लगा हुआ एक दो तीन बांड, तो ये रहा एक, ये रहा दो और ये रहा तीन बांड। तब आप अब इसको देखिए और उसको देखिए, अब ये दोनों सेम है। अब जैसे ये रिएक्शन यहाँ से हुई थी बीटा लिथियम में, ये ये ये, अब ये रिएक्शन भी वैसे ही हो जाएगी आगे, आगे सेम होगी क्वेश्चन नंबर थ्री जैसे ही, ठीक है। बस इसमें ये दिखाया है मैंने कि अगर ये रिंग अगर पूरी जैसे कि ये पकड़ को पूरा इधर खोल लिया गया है, ये पूरा ऐसे हो गया, तो इसको हम पहले वैसे बनाएंगे, फिर उसके बाद हमारा इस तरह से रिएक्शन, हमारी इस तरह से रिएक्शन हो जाएगी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है। अब तक जो हमने देखते थे उसको मैं इस तरह से दिखा रहा था, फाइव मेंबर रिंग की तरह पूरा बने, लेकिन अगर ये अगर इसे आप यहाँ पर करेंगे तो ये भी उसी तरह हो जाएगा, लेकिन अगर इस तरह से दिया हो तो फिर हम कैसे बनाएंगे। ये माइनस तो अपना इधर बांड बनाएगा, ये वन टू थ्री नंबरिंग आप कर लीजिए, वन टू टू कॉमा थ्री सिग्मा ट्रॉपिक अरेंजमेंट होगी, तो ये माइनस इधर जगह बॉन्ड बनाएगा और ये बॉन्ड सल्फर ले लेगा, तो ये माइनस अपना देखे बना रहा है, तो ये माइनस से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो ये माइनस बैलेंस, और सल्फर पर प्लस है और सल्फर दोनों इलेक्ट्रॉन को लेगा तो सल्फर भी इस पर आएगा माइनस चार्ज, और ये माइनस प्लस बैलेंस हो जाएगा। तो सबसे पहले आप इसको ऐसे बना लीजिए जैसे है पहले वैसे, तो डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा, यहाँ वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ पर सल्फर है कुछ इस तरह से है, तो यहाँ पर पहले हम दिखाएंगे यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पर है हमारा R, और ये बॉन्ड बना रहा है इससे कुछ इस तरह से। इसको मैं अगर ढंग से दिखाऊं, ये रहा ऑक्सीजन, फिर ये रहा सल्फर और ये रहा R, ये हो गई हमारी 2.3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। अब हम देखते हैं ग्रुप ट्रांसफ़र रिएक्शन, तो इसमें सबसे पहले हमें देखना है इन रिएक्शन। इन रिएक्शन क्या होती है, जैसे कि सबसे पहले हम देख चुके हैं कि डाइन, ये है हमारी जो हम डाइल सेल्डर रिएक्शन में देखा था, ये होती थी हमारी डाइन, और इसके साथ जो भी हमारा रिएक्ट करता था ये हमारी डाइन, और ये होता था डाइनोफाइल। ये डाइन या डाइनोफाइल, लेकिन इन रिएक्शन में क्या होगा, इन में मतलब ये डाइन है, और इन में क्या होगा, यहाँ से एक बांड हटा दिया जाए तो ये अल्कीन है और ये इन है, एक डबल बांड होगा तो वो होगी इन रिएक्शन। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा, ये हो जाएगी हमारी इन, और इसके साथ एक डबल बांड वाई या फिर यहाँ पर कोई भी होगा तो इसे हम कहेंगे इनोफाइल। तो अब यहाँ पर रिएक्शन कैसे होगी वो आप देखिए, यह होगी थर्मल कंडीशन में, इसकी नंबरिंग करेंगे सबसे पहले हम, ये है हमारा अनसैचुरेटेड कार्बन और ये है सैचुरेटेड, ये हो जाएगा वन टू थ्री, यहाँ तक नंबरिंग करेंगे तो इसी सीक्वेंस हम आगे बढ़ेंगे, वन टू थ्री और इधर आएंगे फोर फाइव, इसको नंबरिंग देंगे, इसको फोर, इसको फाइव, ये ऊपर गाइस हमारा इस तरह जा रहा है, इधर थ्री और इधर आ जाएगा फोर फाइव एक सीक्वेंस में। तो अब हमारा ग्रुप ट्रांसफ़र यहाँ पर ये एच, यहाँ से हमें ग्रुप ट्रांसफ़र करना है, तो यहाँ वन से फाइव पर यहाँ से ये ट्रांसफ़र होगा, जैसे कि इस एच के पास यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है, अब ये दोनों इस तरह से है, इसको मैं इस तरह से मूव कर रहा हूँ, ये वाला जो है इलेक्ट्रॉन जाकर इससे लग जाए और ये वाला जो हाइड्रोजन के पास है वो हाइड्रोजन के पास ही रहे, तो हो जाएगा यहाँ पर क्या, ये एक्स, इधर मैं वाई दिखाऊँ, और ये इससे ये आकर लग गया हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इसका था इसके पास है, और इसका वाला जो इधर से ट्रांसफ़र होकर अब इन से ट्रांसफ़र होकर इनोफाइल पर आ रहा है, तो अब क्या होगा, ये इसे ट्रांसफ़र होकर इधर आएगा और ये बॉन्ड इससे बनाएगा और ये बॉन्ड मूव होकर इधर आएगा, तो यहाँ ये सिंगल बॉन्ड हो गया, अब इसके बीच का बॉन्ड ये इधर और एक बॉन्ड इधर,
एक बॉन्ड ये वाला हो गया, अब ये वाला बॉन्ड और उसके पास ये मूव करेगा तो इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये हो जाएगी हमारी इस तरह से इन रिएक्शन। अब ये एक्स डबल बॉन्ड वाई क्या क्या हो सकता है इनोफाइल में, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस तरह से हमारा कोई भी ग्रुप लगा हो सकता है, एन डबल बॉन्ड एन, एन डबल बॉन्ड ओ, या फिर ओ डबल बॉन्ड ओ, इस तरह से हो जाएगा। और इसकी जगह इनोफाइल हमारा एक्स ट्रिपल बॉन्ड वाई भी हो सकता है, यहाँ पर हो जाएगा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये सब हमारे इनोफाइल के एग्जाम्पल, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर इनोफाइल इस तरह के। ये हो गई हमारी इन रिएक्शन। तो हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, उसको करते हैं अब हम। जैसे कि ये रहा हमारा अब अनसैचुरेटेड बॉन्ड और ये रहा सैचुरेटेड वाला, इसको नंबरिंग देंगे 1 2 3। तो इस सीक्वेंस में चलना है 1 2 3 और इस यहाँ पर 4 5, इसको करेंगे 4, इसको करेंगे 5। तो अब हमें यहाँ पर ये 1 5 में शिफ्टिंग 1 5 पे ट्रांसफ़र होगा, ये 1 से ये 5 पर, ये वाला जो ग्रुप लगा हुआ है हमारा यहाँ पर यम है, तो ये ट्रांसफ़र होकर 1 से ये 5 पर लगेगा। तो ये बॉन्ड कुछ इस तरह से घूमकर यहाँ पर लगेगा, ये बॉन्ड ऐसे है, ऐसे घूमकर यहाँ पर लग जाएगा, ये वाला जो यहाँ पर जुड़ा है वो जाकर यहाँ पर जुड़ेगा, फिर ये वाला बॉन्ड इधर बॉन्ड बनाएगा, फिर इधर ये घूम जाएगा, फिर हमारा उसके बाद हमारा क्या बनेगा, ये हो जाएगा यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा सिंगल, ये हो जाएगा सिंगल, फिर ये वाला हो जाएगा सिंगल, फिर वो वाला बॉन्ड हमारा ये रहा जो हमारा यम है। अगर आप नंबरिंग करके देखना चाहें, ये 1 2 3, ये 4 और ये 5, यहाँ से जो एम लगा था वो अब गया 5 पर। अब हम इसको देखें, इसको हम नंबरिंग याद करेंगे, ये रहा हमारा अनसैचुरेटेड कार्बन और ये रहा हमारा सैचुरेटेड एलाइलिक कार्बन, या फिर कहते हैं इसे एलाइलिक हाइड्रोजन। अब इसकी शिफ्टिंग होने वाली है एलाइलिक हाइड्रोजन के यहाँ से, ये हो जाएगा 1 2 3 और इधर हो जाएगा 4, ये 5। अब ये हाइड्रोजन निकल कर 1 पोजीशन से यहाँ पर लगेगा 5 पोजीशन पर। ये इतना मैंने पहले उतना बना दिया है। अब ये वाला बाण देखिए, ये वाला बाण घूमकर इधर आएगा, इस तरह घूमकर यहाँ पर लगेगा, और ये वाला बाण इधर इतने बाण बनेगा और ये बाण इधर। तो अब क्या बनेगा वो देखिए, ये बाण इधर घूमा तो ये रहा, और इधर ये वाला बाण पहले से है और इधर ये हो गया, ये वाला ये डबल बाण, और यहाँ से हाइड्रोजन निकल कर लगा यहाँ पर, ये रहा हाइड्रोजन, ये हो जाएगी हमारी ग्रुप ट्रांसफ़र रिएक्शन। अब एक रहा हमारा ये तीसरा क्वेश्चन, ये रहा हमारा अनसैचुरेटेड कार्बन, ये रहा सैचुरेटेड या एलाइलिक वाला, इसको नंबरिंग देंगे 1, इसको देंगे 2, इसको देंगे 3, फिर यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर आएगा 5, एक सीक्वेंस में। तो यहाँ पर CH2 और ये H, अब इस H को मैंने अलग दिखाया क्योंकि इसी को यहाँ से शिफ्ट करा कर वहाँ पर ले जाना है, तो मैं यहीं पर रहने दी, ये बॉन्ड जाकर इससे जुड़े, फिर ये वाला बॉन्ड इससे बॉन्ड बनाएगा और ये वाला बॉन्ड जो है वो इधर मूव हो जाएगा, फिर क्या होगा वो देखिए, सी डबल बॉन्ड ओ, ये हमारी हो जाएगी इनोफाइल। इसके आगे पीछे क्या लगा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, उसमें जैसे कि हम बनाएंगे प्रोडक्ट उसको हम नीचे वैसे दिखा देंगे। ये हो जाएगा हमारा ये इधर वाला और इधर एक बॉन्ड इधर रहा, ये वाला, अब एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड ऊपर डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड और एक बॉन्ड इधर, ऊपर CH2 है, ये CH2 और इधर एक बॉन्ड, ये तो इधर ट्रांसफ़र हुआ है, अब यहाँ पर ये CH2, ये बॉन्ड बना इससे इस वाले कार्बन से, फिर यहाँ पर हुआ सिंगल बॉन्ड ओ, और फिर इस ओ से ये वाला एच। अब इस कार्बन से और क्या लगा है, एक एच और एक CH3। तो ये हो गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। तो ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन इन रिएक्शन के साथ हमारा ये ख़त्म हुआ। तो अब तक हमने
वीडियो में 3 गामा 3, 5 गामा 5 और 1 3 1 5 1 7 हमने सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन देख लिया है। तो अब हमारा ये ख़त्म होता है सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।